नमस्कार प्यारे साथियों, आपके पास ये जो मैट्रिक्स दी गई है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके बेस पे नीचे चार ऑप्शन दिए गए, तो कंसेप्ट क्या है? बिल्कुल सिंपल साथियों, आपके पास सबसे अंदर जो ये लाइन दी गई है ट्रायंगल टाइप की कुछ इस प्रकार से, इसके साथ में जो नंबर है, जैसे सबसे पहले 5 और 7, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे? यहाँ पे 12। सिंपली इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे? 6, जो इनके सामने कॉर्नर में लिखे हुए हैं। जैसे नेक्स्ट में चेकआउट कीजिए, इस लाइन के सामने जो नंबर है 10 और 4, इन दोनों को ऐड करें तो हमें प्राप्त होंगे 14। सिंपली इसको 2 से डिवाइड करें तो हमें प्राप्त होंगे 7 नंबर, जो इनके सामने कॉर्नर में लिखे हुए हैं। तो इसी प्रकार का कंसेप्ट आप नेक्स्ट में अप्लाई कीजिए। लाइन के सामने नंबर हमारे पास है 8 और 6, अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमें नंबर प्राप्त होंगे 14, और सिंपली इसको 2 से डिवाइड करें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त होंगे? 7। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं साथियों, आपका जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो चुका है।